प्रत्यक्ष के रूप में ये प्रमाणित है कि राम नवमी के दिन आप लोग उपस्थित रहे। द्वितीयतः आप लोगों ने हवन में भाग लिया और सब लोगों ने प्राय कलश में भाग लिया। अभिषेक होने के बाद अभी श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार के बीच में भगवान श्री राम के 15-20 मिनट प्रवचन सुनेंगे। ठीक 11:50 पर हम बंद करेंगे। उसके बाद अर्चना होगी और ठीक 12 बजे भगवान के जो जन्म है उसको हम भय प्रकट कर दीप दयाला दीप गाएंगे और उसके बाद राम जी के कीर्तन के बाद हमको हनुमान जी की आरती की तरफ जाएंगे। उसके बाद सब लोग आनंद में महाप्रसाद लेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम है। अभी अब ये जगन्नाथ टीवी के तरफ से लाइव भी हो रहा है। जगन्नाथ टीवी एक दिल्ली में एक टीवी चैनल है जो मेरे कोई भी प्रवचन को वो लोग लाइव टीवी करवा रहे हैं। तो अभी 1 घंटा का कार्यक्रम उन्होंने हमसे लिया है, करवाएंगे। और अभी हनुमान जी के दिल्ली नोएडा में भी है, उसके की भी 16 तारीख को 2 घंटा का कार्यक्रम वो लोग करवाएंगे। तो उनके लिए भी धन्यवाद। अब शुरुआत करते हैं। रामनवमी, अभी नवान्न पारायण 9 दिन का प्रवचन सुना है। राम की महिमा है, भगवान श्री राम की महिमा है। तो एक कथा आती है इस कथा में, पीयूष तुम बात मत करो, बिना बात के करो। कथा में ऐसे है कि एक नारी है, स्त्री है, वो राम दरबार में आती है। तो राम दरबार में आकर के कहती है, भगवान आपकी एक पत्नी है, आपकी एक देवी है, और उनके बारे में जो कंप्लेन है, जो भाट लोग, जो सिद्ध लोग है, जो चारण लोग है, जैसे किसी को आप प्रशंसा करना है तो अलग अलग इनोवेटिव क्रिएटिव सोचना पड़ता है, तभी तो कोई खुश होते हैं। कोई भी राज्य शासन में आप देखते हो, कोई भाट लोग, कोई कवि लोग, जब अच्छी चीज कोई श्लोक बताया तो खुश होकर माला देता। तो एक भाट कह रहे हैं कि प्रभु आपके पत्नी बहुत घूम रहे हो, एक जगह पर नहीं रह रहे। जो मर्यादा वाले हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो वशिष्ठ आदि है, समझ में कुछ खा पी के आया है क्या? क्या बोल रहा है भगवान राम के लिए? एक तो पत्नी है, खुद जगत 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 जननी मां सीता है,
ऑलरेडी उनके पास हमेशा रहती है, राज सिंहासन में बैठती है, और कहते हैं कि आपकी और एक पत्नी है वो जो घूम रही है एक जगह पर नहीं बैठ रही है। क्या बात है? हाँ प्रभु कुछ गलती हम नहीं बोल रहे, आपकी जो पत्नी है वो हमेशा घूम रही है सर्वत्र फैल रही है, जहां भी जाता है वो उन्हीं का ना वो खेल घूम रही है। बड़ा मुश्किल है, सब लोग आश्चर्य, कोई तो लक्ष्मण जैसा है वो खड़ग लेकर के माने तीर लेकर के मारने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है केवट जी भी भरु भरु मार हो लक्ष्मण जी हमें मार दे अगर हम ये छोड़ने वाले नहीं है केवट पे है। तो इसी प्रकार ये क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, मालूम है लक्ष्मण जी मार देंगे मगर क्या करेंगे, हम सत्य ही बोल रहे हैं, उनके पत्नी जो सर्वत्र फैली हुई है जहां भी जाते हैं उन्हीं की ही कीर्ति है, वो है चारों तरफ है। तो सब लोग ने सोचा कि ये क्या बात है, तो आप लोग भी उनको बना कर कसम बैठे हो और सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे कौन पत्नी है आज तक हमने रामायण में नहीं सुना है, भगवान श्री राम की पत्नी तो एक ही है, फिर और एक कौन पत्नी है जो सारे सर्वत्र घूम रही है वो कौन है। तो बोले कि अरे बताओ तो कौन है, तो बोले कि बताएंगे तो तुरंत माला देंगे ना, नहा देंगे तो माला निकाल करके रेडी रखिए नहा, प्रभु आपकी कीर्ति बोल श्याम रामचंद्र की, भगवान की कीर्ति एक जगह पर नहीं रहती है, भगवान की कीर्ति कहां घूमती रहती है चारों तरफ चलती रहती है। इसलिए इन्होंने कितना सुंदर पाठ लो कवि लोग कल्पना किया है, यही राम राज्य की खूबी है, काल होना व्यापार काल है, राम राज्य में काल ही व्याप नहीं होता है, दैहिक दैविक दैविक तापा, जिसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं होता था वो है राम राज्य है, जहां भगवान श्री राम ने हमें ये सिखाया, क्या सिखाया कि हमें मर्यादा में कैसे रहना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हमें मर्यादा में कैसे रहना है। देखो जीवन में पहले राम है उसके बाद कृष्ण होते हैं, त्रेता युग में राम का अवतार होता है फिर द्वापर युग में कृष्ण का अवतार होता है। तो राम अवतार में यही सिखाते हैं कि आप पहले नीति नियम पालन करोगे तो आपके जीवन धन्य होगा, लीला जैसी हो जाएगा, फिर जीवन एक खेल जैसा होगा, जीवन एक प्ले जैसा होगा, जीवन एक गेम जैसा हो जाएगा। ये कैसे ना, अगर क्योंकि आपने नियम पालन किया, ये भगवान श्री राम के विशेषता, भगवान श्री राम हम यही सिखाते हैं कि हमें जीवन में नियम है, सवेरे उठने के बाद शाम रात तक हम भगवान से कितना समर्पण करते हैं। देखो जीवन में तीन प्रकार के अद्वैत होना चाहिए, सप्तम स्कंद में भागवत में ही नारद कहते हैं प्रहलाद, तीन प्रकार का अद्वैत होना चाहिए। एक होता है भावाद्वैत, भावाद्वैत माने विचार, हमेशा ही विचार के दृष्टि से अद्वैत रखना चाहिए कि चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म परमात्मा है, सब कुछ ब्रह्म परमात्मा है। दूसरे जो सेकंड अद्वैत है वो क्रियाद्वैत है, क्रियाद्वैत क्या है तो जो भावाद्वैत है वो बुद्धि के स्तर पर, तो जो भावाद्वैत है वो बुद्धि के स्तर पर है और उस बुद्धि के स्तर पर मनुष्य किस प्रकार के विचार कर सकता है, और जो क्रियाद्वैत है कोई भी कर्म करते हैं जैसा कि आप सुन रहे हो तो वो जो सुन रहे हो क्रिया कर रहे हो वो भगवान को समर्पण करके कर रहे हो, भगवान को ही दे दिया सब कुछ, ये हो गया क्रियाद्वैत। और एक है द्रव्यद्वैत, द्रव्य माने वस्तु, द्रव्य माने क्या है ना, द्रव्य का अर्थ ये है कोई भी द्रव्य हम देखते हैं सिया राम मय सब जगह जा रहे, अर्थात जितने भी हम देखते हैं वस्तु उस वस्तु में हम भगवान को ही देखते हैं, सब में भगवान सत्ता है, उसको बोलते हैं द्रव्य अद्वैत, द्रव्याद्वैत। तो क्रियाद्वैत भावाद्वैत और द्रव्यद्वैत इस प्रकार के हमें करना चाहिए। ये बताया रामचरितमानस में, आज के रामनवमी में हमें संकल्प लेना है कि हमारा जीवन किस प्रकार के, और हर कल्प में हर तृतीय युग में भगवान राम आते हैं। अभी हम अपने जीवन में कितने साल जितने साल से हैं जानते हैं, रामनवमी मनाते हैं, तो हर रामनवमी
हैं, एक होते हैं जो भगवान अवतार लिया है उत्तरायण योग, ठीक है, दूसरा है जो हमारे अंदर जब हम राम की कथा सुनते हैं, जब हम राम के चिंतन करते हैं, वो राम जो सर्वेस्मिन रमंत राम, राम कितने चार प्रकार के राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा वो अवतार, एक राम घट घट में लेटा, एक राम अंतर्यामी के रूप में घट घट में लेटा अंतर्यामी के रूप में, एक राम सकल पसारा, एक जो जगत को बनाया ईश्वर है, एक राम सबसे न्यारा, ये एक ही राम ही सबसे न्यारा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही ईश्वर बनते हैं, अवतार बनते हैं और हमारे अंदर है, और उसी राम को जब हम क्या करते हैं, हम मूर्ति में प्रतिष्ठा करते हैं, प्रतिमा में प्रतिष्ठा करते हैं, तो वो राम क्या बन जाते हैं, अर्चा अवतार। अभी जो हम दर्शन करेंगे हैं वो अर्चा अवतार के रूप में भगवान का राम का दर्शन करेंगे, तो जो अर्चा अवतार है उसी के लिए भगवान ही मन में सोच रहा है, जो परमात्मा निर्गुण निराकार, आप बैठ जाइए बैठ जाइए, जो भगवान के अवतार है, ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही क्या है, ईश्वर है, और वो ईश्वर ही अभी अवतार है, और वो अवतार ही हमारे अंदर भी है, और वो अवतार हमारे अंदर भी है, वो ही क्या है, ए अर्चा अवतार के रूप। चलिए छोटा सा भजन कर रहे हैं, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, राम प्यारा है, सब लोग आए, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, माता पिता भाई बंधु सखा हो हमारा है, सखा हो हमारा है, सखा हो हमारे को गला, माता पिता भाई बंधु सखा हो हमारा है, सखा हो राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, राम नाम प्यारा है, निराकार है वो सब सतन पर सब में समाया है, सब में समाया है, ये बाकी सब जो है आपके लिए अप्यारा है, आपके लिए एक ही है, क्या है, राम नाम, महिमा है अपार वक्त किसी ने न पाया है, किसी ने न पाया है, राम का इशारा है, राम
भगवान आ जाते हैं, तो भगवान का सुंदर दर्शन हम लोग देखेंगे। बोल श्याम रामचंद्र की।